ओके स्टूडेंट, नाउन व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. देयर आर जनरली थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे. अथॉरिटी मीन्स राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड और ऑर्डर हिज सबॉर्डिनेट टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजिशन. यानी कि ये एक इंडिविजुअल का राइट है कमांड देने का, ऑर्डर देने का अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो अथॉरिटी उसे मिली है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग. लाइक जनरल मैनेजर को अपनी अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी पोस्ट के अकॉर्डिंग, एक मैनेजर को ही अपने अकॉर्डिंग होगी, एक सुपरवाइजर की अपने अकॉर्डिंग होगी. तो उन्हें राइट है अपनी अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करने का और कमांड देने का या फिर ऑर्डर देने का. अथॉरिटी का फ्लो हमेशा कहाँ से होता है? टॉप से बॉटम की तरफ. हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमेशा, क्योंकि बॉस ही सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, तो इसका फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. एंड अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है. एंड अ पर्सन एट द हाईएस्ट लेवल और तो एट द टॉप लेवल है द हाईएस्ट अथॉरिटी. जो मिडल लेवल पर है उसकी अथॉरिटीज़ कम होंगी, लेस अथॉरिटी, और जो लोअर लेवल पर उसकी अथॉरिटी सबसे ही कम होंगी. नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. कि जो असाइंड, जो ड्यूटी आपके बॉस ने आपको दी है उसे पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी ही क्या कहलाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने सबॉर्डिनेट को कहा कि आपको 10 यूनिट बनानी है एक दिन में, वर्क असाइन किया. देन बी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर कम्प्लीशन ऑफ आ टास्क. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ. क्यों? बिकॉज बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए. सबॉर्डिनेट हमेशा बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरी तरह से डेलीगेट नहीं कर सकते. शेयर तो कर सकते हैं अपने और दूसरे सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ, लेकिन पूरी तरह से उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होता है. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज कब होती है? अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, बिकॉज सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय द सुपीरियर. क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज कब होती है? जब आपको काम दिया गया. पहले आपको अथॉरिटी प्रोवाइड की गई, ए ने बी को अथॉरिटी दी कि आपको 10 यूनिट बनानी है, तभी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हुई. किसके लिए? ए के लिए, कि आपको वो काम उन्हें पूरा करके देना है. तो इट अराइजेज फ्रॉम द अथॉरिटी डेलीगेटेड बाय द बॉस. नाउ द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम. आउटकम मीन्स रिजल्ट ऑफ द असाइन टास्क. अब आप खुद ही आंसरेबल होते हो. जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वही आंसरेबल है फाइनल रिजल्ट के लिए जो टास्क उसे असाइन किया गया है. अकाउंटेबिलिटी का फ्लो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और इसे हम कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते या किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसा हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं. मान लो डायरेक्टर ने अपनी कुछ अथॉरिटी किसको दी? मार्केटिंग मैनेजर को. उसे कहा कि भाई तुम्हें 100 कंप्यूटर एक दिन में सेल करने हैं. तो अथॉरिटी किसको दी? और उसने जो है शेयर किया जब डायरेक्टर ने वर्क मार्केटिंग मैनेजर के साथ, तो क्या होगी? उसको काम करने से रिलेटेड अथॉरिटी दी कि भाई आप जो इसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह खुद परचेज करके लेकर आ सकते हो, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को खुद आप अपॉइंट कर सकते हो. तो अथॉरिटी शेयर की किसके साथ? मार्केटिंग मैनेजर के साथ. अब मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया कि 100 कंप्यूटर जो एक दिन में उन्हें बनाने, सेल करने थे, ये काम किसको दे दिया? अपने नीचे काम करने वाले सेल्स मैनेजर को, ठीक है. लेकिन सेल्स मैनेजर किसी भी रीज़न से, मान लो अपना वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाया और टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो मार्केटिंग मैनेजर सेल्स मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकता या फिर उसको रिस्पॉन्सिबल ये कहकर ठहरा नहीं सकता कि मैंने काम इससे कराया था और इस सेल्स मैनेजर ने वर्क नहीं किया. देन सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क. आंसरेबिलिटी मार्केटिंग मैनेजर की ही होगी बिकॉज एक्चुअली द टास्क इज असाइन टू द मार्केटिंग मैनेजर नॉट द सेल्स मैनेजर. तो क्या समझा बेटा आपने कि जिस व्यक्ति को अथॉरिटी दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही होती है और अकाउंटेबिलिटी भी उसी पर्सन की होती है. चाहे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी किसी के साथ भी शेयर करो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी भी दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो. यू आर ओनली अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर द वर्क असाइंड टू यू. नाउ
ये हम पहले ही एग्जांपल कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। टीचर ने मान लो एक वर्क किसको दिया, अपने स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने अपना भाई से काम कराया लेकिन उसने गलती कर दी, देन स्टिल ए इज अकाउंटेबल टू द टीचर नॉट हिज ब्रदर, सो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटिंग? देयर आर फ्यू बेसिस। फर्स्ट वन इज मीनिंग, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू गिव कमांड और ऑर्डर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिगेशन, किसी भी काम को जो कि आपको दिया गया उसे पूरा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि आप ही आंसरेबल होते हो फॉर द फाइनल रिजल्ट, जो भी टास्क तुम्हें दिया गया है। नाउ सेकेंड वन इज ओरिजन। अथॉरिटी कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम द फॉर्मल पोजिशन। जब आप जॉब ज्वाइन करते हो मैनेजर की पोस्ट पर, सुपरवाइजर की पोस्ट पर, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर, तब आपको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी और पावर मिलती हैं। फिर जब आप अपना वर्क कुछ शेयर करते हो, डेलीगेट करते हो अपने नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट को, देन इट विल अराइज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज इज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी कब अराइज होती है? जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन के लिए है, देन यू आर अकाउंटेबल ऑल्सो फॉर दैट पर्सन। हमने पढ़ा था अथॉरिटी का फ्लो कहाँ की तरफ होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन होता है, सबॉर्डिनेट की हमेशा यानी एम्प्लॉय की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बॉस के प्रति। इसी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में होगी आपकी अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज अब इंडिविजुअल या फिर सबॉर्डिनेट इज अकाउंटेबल फॉर द बॉस और आंसरेबल फॉर द बॉस। नेक्स्ट डेलीगेशन। अथॉरिटी हम डेलीगेट यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एंटायरली या फिर पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपना काम किसी दूसरे से करवा तो सकते हैं ना, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। अकाउंटेबिलिटी कभी भी हम डेलीगेट नहीं कर सकते।